तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ये बात तुम्हें पता ही होगी। मेरा मतलब तुम्हें तो छुपो छुपो जल्दी जल्दी जल्दी। हे जिम, कैसे हो? I'm sorry, क्या बात है? ओके, मेरे कोवर्कर्स ने मेरी वाइफ को ऑफिस आते देखा था। तुम्हारी वाइफ? हाँ, पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। उसका नाम क्या है? स्टेसी? अमांडा। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आया, जो एशियन है ना? नहीं सर, ठीक है, समझ गया, आपने उसे नहीं देखा होगा। मैंने तो पहले ही कहा था। I'm sorry. अरे कोई बात नहीं, गया वो। Oh my God, ये कितना भोला है। हाँ वो तो है, पर तुम्हारी तरह नहीं है मेरे शेर। हाँ मैं एक शिकारी हूँ, लेकिन तुम्हें इसमें दिखता क्या है? अरे रुको एक मिनट, बस छुप जाओ छुप जाओ। जब तुम फिर से I'm sorry, मैं देखिए मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। हाँ, बताओ। कल की प्रेजेंटेशन के बारे में। हाँ हाँ, उसके बारे में क्या? क्या मैं वो प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ? तुम क्यों? वो असल में वो मेरा आइडिया है, मैं उस पर पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे करूं। ओके, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम एक टीम है और मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है? मुझे तुम पे भरोसा है, वो भी बाकी सबसे ज्यादा। लेकिन याद है ना हमने क्या बात की थी, कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओगे और मैं उसे इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करूंगा, और इसी में सबका फायदा है ना दोस्त? जी हाँ जी हाँ, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं यहीं पे हूँ। जी हाँ बिल्कुल दोस्त, ध्यान रखना अपना। ओके थैंक यू, मेरा भरोसा मत तोड़ना, ठीक है? सी यू, बाय। हनी, स्टीव कह रहा था तुम आज ऑफिस में थी। मैं तो घर में ही थी। ओह अच्छा, बड़ी अजीब बात है, मैं तो सोच रहा था कि तुम आज खैर जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं बताओ क्या बात है? पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे लगा कि तुम मेरे बॉस के साथ मुझे चीट कर रही हो। कितनी अजीब बात है, सोचो जरा, मैं तो बस। कहना क्या चाहते हो? और मैंने उन ख्यालों को खुद से दूर कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि आई लव यू सो मच। अभी मेरा मूड नहीं है जिम। पिछले 2 महीने से तुम्हारा मूड खराब है। भूल जाओ, खाना खाओ। तुम मुझसे नाराज हो क्या? कहा ना, खा लो। तो कैसा लगा पास्ता? ओह टेस्टी है। तुम हमेशा ही अच्छा बनाती हो। ये 1 वीक पुराना है, ये सड़ चुका है, ये खाने लायक नहीं है, तुम समझते हो ना? देखो मैं, यही तो प्रॉब्लम है। तुमको मुझसे कहना चाहिए था कि पास्ता एकदम सड़ा हुआ है, लेकिन लेकिन तुम कायर हो, एकदम डरपोक हो। I'm sorry honey, मैं तो बस बस भी करो माफी मांगना। तुम एक डरपोक चूहे हो, लेकिन मुझे एक शेर चाहिए। तो अब मैं क्या करूं अमांडा, समझ नहीं आता। मुझे एक ब्रेक चाहिए जिम, मैं अपनी मॉम से मिलने फिलाडेल्फिया जा रही हूं। और इस तरीके से हम $100 मिलियन को $1 बिलियन बना सकते हैं, वो भी 1 साल में। बहुत बढ़िया मिस्टर मैकमैंडो। प्लीज हमें थोड़ा समय दीजिए और फिर हम आपको फाइनल आंसर देंगे, पर यकीन कीजिए हम इम्प्रेस्ड हैं। बिल्कुल,
आप प्लीज अपना समय लीजिए। ओह थैंक यू। वन भाई बात देखो सर, उनको देखो, $100 million हमारे हो गए और उनमें से 10 मेरे होंगे। जानते हो ना, इसमें सबका फायदा है। तुमने कमाल कर दिया, वेल डन। ओह अच्छा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? तुमको, तुम्हें ईयरली रिपोर्ट में B+ मिलेगा। सच में? बिल्कुल बिल्कुल। और पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम उसे डिजर्व करते हो। तो हम सारे लोग अग्री करते हैं। थैंक यू। अब ये लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे जिन पर आप साइन करेंगे और फिर डील पक्की। परफेक्ट, ये बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। अब मुझे बस कुछ ही चीजों की जरूरत है, थोड़ा सा आराम, रिकवरी और विटामिन डी। आप जानती है ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल जानते हो, फिलाडेल्फिया हमेशा ही सनी रहता है। हाँ, मुझे फिलाडेल्फिया पसंद है, मैं अगले हफ्ते वहीं जा रहा हूँ। और मेरी बात सुनिए अमांडा, जाके एक कमाल की जगह को विजिट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। सुनिए मैम, आई एम सॉरी पर जॉर्ज इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने की वजह से नहीं थके हैं, क्योंकि सारा काम मैंने किया था, सब कुछ। क्या दोस्त, क्या बात कर रहे हो? ये सब कुछ हम दोनों ने किया है, मतलब हम एक टीम है। हम जब साथ होते हैं तो धमाल करते हैं, है ना जिम? हाँ, पर ज्यादा मेहनत मेरी ही होती है। क्या बोल रहे हो दोस्त, क्या हो गया तुम्हें? ओके, तो मुझे ये बताओ कि आप मार्केट को टेक ओवर कैसे करोगे? एक्सलेंट क्वेश्चन जिम। जॉर्ज, जबरदस्त मार्केटिंग और मुकाबले को खत्म करना, इस तरीके से हम अपने कंपेटिटर्स को हरा देंगे। ओके। हमारा प्रोडक्ट यूनिक है और अब से हम अपना मार्केट खुद बनाएंगे। तो तुमने ये क्यों किया? क्या चाहिए तुम्हें? इनकी पोजीशन। एक मिनट सारा, बस जिम मेरे दोस्त। जॉर्ज रुको, सुनो, मुझे लगता है तुम काफी स्मार्ट हो, पर फर्क होता है स्ट्रेटजी को डेवलप करने और उसे एग्जीक्यूट करने में। जॉर्ज एक असली शिकारी है और हम उस पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कमाल के डेप्यूटी हो जॉर्ज के लिए। सबका अपना रोल होता है, आई एम सॉरी। ग्लोरिया, थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए। मेरा मतलब, आप तो जानती हैं सबका अपना अपना रोल होता है, है ना? क्या हाल है तुम्हारे जिम? देखा, इंडियन आइडल में जाने को बिल्कुल तैयार हूं। तुमने तब अपनी वाइफ को देखा था? हाँ देखा था। और कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? बॉस ने तो कहा है कि वो मुझे रिव्यू में B+ देगा। वाह बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। जरा सोचो तो, करीब $200 और ज्यादा। क्या बात है। हाँ अच्छी बात है। बढ़िया, इसकी स्मेल जॉर्ज के सॉक्स जैसे क्यों है? ये तुम्हारा है? कम ऑन, क्या तुम इसे खाओगे? अरे नहीं, इसे अभी फेंको जल्दी। एक बात कहूं? क्या? तुम सही कहते हो। अरे नहीं, अरे जिम, मेरा ये मतलब नहीं था। जिम, मैं जा रहा हूं। तुम जा रहे हो? अच्छा प्लान है, लेकिन जिम तुम जाओगे कहां? और कहां जाऊंगा जॉर्ज, अपने कंपेटिटर्स के पास। Okay. मैं अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर करूंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। अच्छा। और मेरे बिना तुम इन सारे लोगों के $100 million को हवा में उड़ा दोगे, क्योंकि तुम फिलाडेल्फिया में धूप सेकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसकी बातें सुनो जरा जिम, क्या बात है,
फाइनली। क्या? मुझे तुम्हारी हिम्मत दिखाने का इंतजार था। तुम्हें जॉर्ज की पोजीशन चाहिए थी, अब वो तुम्हारी है। एक मिनट, ये चल क्या रहा है? ये सब आखिर है क्या? कोई प्रैंक? कोई जोक? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत सीरियस हूँ। इस प्रोजेक्ट के पीछे इसका दिमाग है और इसे वही मिला है जो ये डिजर्व करता है। और तुम आलसी, तुमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। तो अब जाओ फिलाडेल्फिया और जो मन में आए वो करो, पर प्लीज यहाँ फिर देख मत जाना। ओके, ये गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जान चुकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें अपने साथ एक कमजोर इंसान नहीं चाहिए था, सही कहा? ओ हाँ, मेरे खूंखार शेर। अब? ओ हनी, मैं समझ गई। हनी, तुम्हारी अंगूठी यहाँ गिरी हुई है। बाहर में जाओ तुम। ये लो डिवोर्स पेपर्स। जिम, आई एम सॉरी। इस सॉरी का अब मैं क्या करूं? और ऐसी मत बनो कि पहली बार इस ऑफिस में आ रही हो।